एक काम करते हैं, मैं खुद ही जो है दयाबेन बन जाता हूं। भड़क उठे प्रोड्यूसर साहब असित मोदी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलिए आइए बात करते हैं उसके बारे में। स्वागत है आपका फीवा फूज में। आ गया है आपका होस्ट दोस्त राहुल भोज। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मौजूद हूं, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों बात हो रही है यहां पर मिस्टर असित मोदी की। असित साहब जो कि आजकल कोरोना और कोरोना पेंडेमिक के चलते बहुत ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि हम सबको पता है दोस्तों कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही ना सही बल्कि काफी सारे शोज जो है इफेक्ट हुए जो कि मुंबई में शूट होते थे। बाकी तो सब अपना दमन द्वीप और इधर उधर चले गए हैं, हैदराबाद वैदराबाद चले गए हैं दोस्तों। लेकिन अगर बात करें दोस्तों तो असित मोदी से फिर से एक बार सवाल पूछा गया एक लीडिंग पोर्टल के द्वारा। उनसे पूछा गया कि भैया बताइए तो सही दयाबेन की वापसी का कब है, कब आएंगी दयाबेन वापस। जिस पर दोस्तों असित मोदी जो हैं थोड़ा सा इस तरीके से जवाब देते हैं, कहते हैं मुझे लगता है कि अब मुझे ही दयाबेन बन जाना चाहिए। उनकी वापसी का सवाल बीते कई सालों से घूम रहा है और आपको बता दूं तो वो कहते हैं कि हम अभी भी उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। यदि वो शो छोड़ने की इच्छा जाहिर करती हैं तो शो नई दिशा बकानी के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी दया की वापसी या पोपटलाल की शादी उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पेंडेमिक में बाहर और कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और मुझे लगता है कि बाकी चीज़ें अभी इंतज़ार कर सकती हैं। सो दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पे बोल दिया है मिस्टर असित मोदी ने कि भाई ये एक काम करते हैं, मैं ही जो है दयाबेन बन जाता हूँ, नंबर वन। नंबर टू कि ये जो पेंडेमिक चल रहा है इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि दयाबेन की वापसी और पोपटलाल की शादी इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बेटर है कि हमें अभी वहां पर फोकस करने दीजिए। दोस्तों पता नहीं दयाबेन कब आएंगी, दिशा बकानी क्यों इस तरीके से कर रही हैं, क्या रीजन है हमें समझ में नहीं आ रहा। आपको क्या है लगता, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा और बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज। मुझे इजाजत है आप।